भाई आजकल पता नहीं बहुत ज्यादा एक्सीडेंट सब हो रहा है। कल ही मेरा दोस्त लोग गया था दसम फॉल और वो लोग का भी एक्सीडेंट हो गया। एक जन का तो पूरा चार दांत टूट चुका है आगे का और एक जन का बस कूहनी में लगा है थोड़ा सा। पता नहीं हम कैसे व्हीली सीख पाएंगे, बहुत डर लगता है, लग रहा है सीख जाएंगे। नूब कभी कभी काम भी नहीं करता है ना, इसलिए पहले पेमेंट कर लेते हैं उसके बाद काम कराते हैं। अच्छा मोबाइल नंबर। हाँ वेलकम बैक टू मनोतर ब्लॉग गाइस। अपना जो ब्लॉग है वो हम स्टार्ट तो घर से भी कर सकते थे बट बीच में बहुत ज्यादा ट्रैफिक आती है और ट्रैफिक में दिखाने कुछ ऐसा रहता नहीं है, तो इसी के लिए ब्लॉग जो है अभी हम खाली रोड से स्टार्ट कर रहे हैं। और हम गए थे कॉलेज, थोड़ा सा काम था और काम भी हो चुका है खत्म और अभी हम निकलेंगे रिंग रोड, क्योंकि अपना जो बाइक है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। अपना बाइक का जो टॉप स्पीड है आफ्टर फोर्थ सर्विसिंग थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, ऐसा हमको फील हो रहा है। पता नहीं क्या सीन है, एक तो पहले से मेरा चेन स्पोकेट डैमेज हुआ पड़ा है, शायद से उसकी वजह से भी हो रहा होगा, नहीं तो फिर अपना जो एयर प्रेशर है आजकल हम व्हील प्रैक्टिस में एयर प्रेशर कम ही रखते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो अभी जाएंगे रिंग रोड, पहले टेस्ट करेंगे, अगर थोड़ा भी हमको पावर कम लगती है तो हम सीधे अपना बाइक सर्विस सेंटर में दिखाएंगे एक बार। अगर सब कुछ ऐसे ही ठीक रहा तो भाई और क्या ही दिक्कत है। तो चलो अब निकला जाए। अरे बच्चा चला, आजा आजा बैठाते हैं तुमको। और ये देखो यहाँ पे छोटी सी स्क्रैच लग गई है, यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि नहीं। हम जब दीदी को हॉस्पिटल छोड़ने जा रहे थे उस टाइम जो मेरा बैकपैक था उसको हम आगे की तरफ कैरी किए थे और बैग में पता नहीं कुछ नुकीला चीज तो था नहीं, बट यहाँ पे पूरा रगड़ दिया और ये देखो पूरा स्क्रैच लग गया है। इसको भी पेंट कराना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा खराब दिख रहा है। और पता नहीं गाइस कि आजकल क्या हो रहा है, हम एक एक पार्ट अपना बाइक में जोड़ रहे हैं और मेरा बाइक का एक एक पार्ट टूटे जा रहा है। और इस बाइक से हमको बहुत ज्यादा प्यार है और अपना बाइक में कुछ भी एक पार्ट अगर डैमेज हो जाता है तो बहुत खराब लगता है, रातों की नींद उड़ जाती है। और वैसे भी आजकल एडिटिंग में रात रात भर हम उल्लू की तरह जागते रहते हैं, टाइम टेबल अपना पूरा खराब हो चुका है, सारी चीजों को एकदम बैलेंस करना पड़ेगा नहीं तो फिर हम पक्का बीमार हो जाएंगे। फिलहाल तो निकला जाए यहाँ से, इधर से तुमको दिख रहा होगा एयरपोर्ट। अभी तक तो अपना बाइक ठीक चल रही है, पावर सब भी हमको प्रॉपर पता चल रहा है। और ये देखो अभी जब हम स्पीड टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं तो अपना बाइक पूरा पावर लगा रहा है भाई एकदम। अब हमको ऐसा फील हो रहा है कि जो बाइक है अपना उसको हम प्रॉपर वार्म अप देते नहीं है, सीधे स्टार्ट करते हैं और निकल लेते हैं और उसके रेलने खोजते हैं। अरे बच्चा क्या हुआ? क्यूट क्यूट बच्चे हैं। और आज है मंडे तो ये लोग का छुट्टी हो चुका है, बाय बाय। बहुत क्यूट था भाई। सो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं रिंग रोड। अभी विंड ब्लास्ट का सामना करना पड़ेगा लग रहा है, क्योंकि हमको यहीं से फील हो रहा है कि विंड ब्लास्ट आगे से आ रही है। चलो एक विल्ली तो ट्राई करेंगे, विल्ली मारने के लिए आगे पीछे देखना बहुत जरूरी है, खाली रोड जितना रहेगा उतना अच्छा। ओ भाई जब ज़्यादा हाइट पे आती है ना तो हमको डर लगने लगता है, पता नहीं पीछे की तरफ हम गिर जाएंगे। सच में अभी हम सीख रहे हैं तो उस हिसाब से देखा जाए तो अगर ज़्यादा हाइट पे आई तो हम पक्का गिरेंगे पीछे की तरफ धड़ाम से। थोड़ी सी भगाया जाए, तो गाइस पावर में तो हमको ऐसा डिफरेंट पता नहीं चल रहा है, अभी सब कुछ ठीक ही लग रहा है। पता नहीं दो तीन दिन से हम ज़्यादा लंबा राइड नहीं मार रहे थे इसी के लिए प्रॉपर मेरा जो इंजन है वो गर्म नहीं हो पा रही थी। और कुछ भाई लोग अपना कमेंट किए थे माइलेज टेस्ट वाली वीडियो के नीचे कि भाई इतना माइलेज मिलती है क्या ये सच है, अगर तुम छोटा छोटा गियर में ज़्यादा खींच रहे हो बाइक वहाँ पे तुम्हारी बाइक माइलेज नहीं देगी और अगर तुम ट्रैफिक में ज़्यादा रेव करते हो तो भी तुम्हारा बाइक का माइलेज थोड़ा डिक्रीज होने वाला है। ऐसे तुम हाईवे में चलते हो और बाइक की जो इकोनॉमी है उसको तुम मेंटेन रखते हो तो तुमको 100% माइलेज मिलेगी। अगर तुम सिटी में भी चलते हो और वहाँ पे भी तुम इकोनॉमी मेंटेन कर रहे हो, ज़्यादा रेव नहीं कर रहे हो, वहाँ पे भी तुमको माइलेज मिल जाएगी। आगे वो उधर ठोलू है और हम चक्का उठा रहे हैं।
तो हम 2 बजे आ गए थे मस्त, और अभी फिर से निकलना पड़ रहा है अपने को। और अभी जाना है सेंट्रो मॉल, जो रांची में भी फिलहाल खुला है। पहले वहाँ पे सेंट्रल मॉल हुआ करता था, बट अभी उसको सेंट्रो कर दिया गया है। रिलायंस बहुत अमीर है भाई, अंबानी सब कुछ खरीद लेगा। फ्यूल भराना पड़ेगा अपने को, मेरा लास्ट सेल ही बचा हुआ है। पता नहीं कितना किलोमीटर हम चले हैं। आजकल हम थोड़ा लो ही रखते हैं फ्यूल अपना टंकी में, क्योंकि डेली प्रैक्टिस में काम आता है। अभी भी भराएंगे तो ज्यादा नहीं, 100 रुपीज का ही भराएंगे। जितना कम रहेगा उतना अच्छा रहेगा। ये भी भराते हैं 120 ना। हाँ हो गया ना, एक APCL का मैसेज आएगा। क्या मैसेज आएगा? APCL। अरे यार मैसेज तो आया ही नहीं है। लेकिन फोन पे चला रहे हैं, उस नंबर पे रिचार्ज है। जीपे है? नहीं नहीं, बाकी जगह पे तो ऐसा कोई सीन नहीं रहता है, सीधे पेमेंट कर देते हैं। कंपनी वाला दिया गया। अरे यार मतलब झंझट है थोड़ा। ये रहा मेन रोड, पूरा देजीगल देजीगल वाला सीन चलता है। इधर ही पार्किंग लगाते हैं, पूरा पार्किंग भी फुल है। लगाए तो लगाए, कहाँ लगाए। लॉक खोल देंगे सीधा, लॉक खोल देंगे लॉक। पूरा रेडिएटर फैन मेरा चल ही रहा है अभी तक, घर 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 घर। लॉक खुल गया ना? हाँ लॉक खोल देंगे। हाँ हाँ खोल देंगे खोल देंगे भाई। कुछ बात है ना, कुछ नहीं रहना चाहिए। ग्लास भी नहीं, बैग भी नहीं, हेलमेट भी नहीं। बहुत तेज हो रहा है, है बहुत। ऊपर से जाएगा ऊपर, हेलमेट नहीं रखते। तुम कहाँ बोल रहा था अभी? दिन भर में 1500-1600 कस्टमर आता है, कहाँ रखेंगे? एक्सचेंज हो जाएगा फिर। तो बैग तो रख सकते हैं ना? बैग कर रख इसमें, लेकिन खतरनाक खतरनाक चीज़ है। टूटने वाला सामान नहीं था? टूटने वाला सामान तो नहीं है। लेडीज सेक्शन में हम लोग को पूछता है जेंट्स लोग को, कुछ ट्राई करेंगे सर? भारी सीन। मेरे को 2 चाहिए, ठीक है? 2 जैकेट और एक जींस होगा, पता है क्या? देख सर्दी के लिए। वाओ क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय, इससे तो बहुत मजा आएगा। अरे भाई भयंकर वाला रोड क्रॉसिंग चल रही है गाइस, और आप प्लेन जस्ट अभी लैंड करेगी यहाँ पे। अरे यार पता नहीं आजकल हमको ऐसा फील हो रहा है कि 6:30 बजे तक ना अच्छा खासा रात हो जाता है, और पहले 6:30 बजे तक दिन ही रहता था, और अभी तो मेरे ख्याल से 6 बजा भी नहीं होगा, 5:30 बजा जैसे तुम देख सकते हो। बट आजकल लग रहा है कि दिन छोटा हो जा रहा है और रात बड़ी हो जा रही है। पता नहीं रात भी छोटी होगी, और जैसे आजकल 4:30 बजती है उसके बाद ठंडा स्टार्ट हो जाता है शाम में। तो इसी के लिए हम रिकमेंड करेंगे कि आजकल ग्लव्स वगैरह पहन के निकलो प्रॉपर, जैकेट वगैरह ही पहनते हो तो भी चलेगा, और हाँ हेलमेट ही पहन लेना क्योंकि हेलमेट तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस चीज़ को तुम हल्के मत लेना, क्योंकि एक तो ट्रैफिक पुलिस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है और आजकल वैसे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट सब हो रहा है। भाई हेलमेट हमेशा पहना करो। और हम सोचे थे कि अपना बाइक में आज 100 का ही पेट्रोल भराएंगे, बट पता नहीं क्या मूड किया हम पूरा फुल टंकी ही करा लिए। जब से हम ये लाइट लगवाए हैं तब से हमको बहुत कुछ सुनने को मिला है कि तुम्हारा लाइट बहुत सही है, कहाँ से लगवाए हो, कितना पड़ा है। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं क्योंकि लाइट थोड़ा सा यूनिक है और बहुत ज़्यादा ब्राइट है, रात में तो स्पेशली बहुत ही खतरनाक लगता है पीछे से। और एक सलाह भी देंगे हम फ्री में, अगर तुम नया नया बाइक लिए हो, MT-15 या कोई सही बाइक न्यूली खरीदे हो, तो फिर तुम अपना जो वायरिंग है उसके साथ छेड़छाड़ मत करना, क्योंकि तुम्हारा वायर में एक कट भी अगर बाहर से लगती है तो तुम्हारा जो वायरिंग है उसका वारंटी खत्म हो जाएगा और यामाहा उसको रिपेयर नहीं करेगी, उसको तुमको बाहर से करवाना पड़ेगा, और जितना भी कॉस्ट आएगा उसको तुम्हें खुद ही पे करना पड़ेगा। ऐसा भी सीन है, ये चीज हमको पता नहीं था, बट कोई नहीं, अब जो हुआ सो हुआ। तो जितना फायदा दिखता है उतना नुकसान भी है, और ये लाइन कहीं से तो हमने चुरा लिया अभी। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही था, और आई होप तुमको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।